आकांक्षाओं को पूर्ण करने का सपना लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो दुनिया जानती है कि लाल किले से अगर प्रधानमंत्री मोदी कोई संकल्प ले ले तो उसके मायने क्या होते हैं। वो संकल्प पूरे देश का मिशन बन जाता है। देशवासी खुद उसे पूरा करने में जी जान से जुट जाते हैं। ऐसा ही एक संकल्प इस 15 अगस्त को भी गूंज उठा। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं। असर ये हुआ कि सबसे पहले लोकसभा सचिवालय ने संसद भवन परिसर में प्लास्टिक की बोतलों और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से बैन कर दिया। अब ऐसी ही एक पहल को लेकर भारतीय रेल आगे आई। रेलवे मंत्रालय ने पर्यावरण को प्लास्टिक के खतरे से बचाने के लिए अपनी सभी रेलवे इकाइयों को इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। ये निर्देश इस 2 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। जारी किए गए सर्कुलर में जो निर्देश दिए गए हैं वो इस तरह से है। सिंगल यूज प्लास्टिक हर तरह से प्रतिबंधित होगी। रेलवे वेंडर पॉली बैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें इको फ्रेंडली बैग को उपयोग में लाना होगा। रेलवे कर्मचारी भी प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग कम से कम ही करेंगे। सिर्फ ऐसे पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल होगा जिन्हें रिसाइकल किया जा सके। IRCTC प्लास्टिक की पेयजल वाली बोतलों को वापस लेने की व्यवस्था लागू करेगा। प्लास्टिक की बोतलों को पूरी तरह से तोड़ देने वाली मशीनें लगाई जाएंगी। प्लास्टिक के कचरे के पर्यावरण अनुकूल निपटान की व्यवस्था होगी। सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इसके लिए सिर्फ रेल मंत्रालय द्वारा सर्कुलर ही जारी नहीं किया गया है, बल्कि इसी 2 अक्टूबर को प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने वाली शपथ भी कर्मचारियों और रेलवे से जुड़े लोगों को दिलाई जाएगी। जागरूकता बढ़ाने के लिए जानकारियों और सूचनाओं का प्रचार किया जाएगा।